हेलो स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कहानी का तीसरा भाग, दासी कहानी का तीसरा भाग, जहाँ पर नियालुद्दीन के सामने बलराज से बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या कहती है कि बड़ी दीनता से कहा, फिरोजा ये सब जानती है? फिरोजा हंसने लगी। इरावती ने पकड़ कर कहा, नियालुद्दीन, बलराज को इसके साथ लेकर चलती हूँ, तुम तो आना इसे जौहरी से, तुम्हारा नुकसान ना हो तो ना मारो। देखो बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं, यहाँ से सबों का चलना ही अच्छा है। अब नियालुद्दीन ने परिस्थिति एक क्षण में ही समझ ली। उसने चौकसी से पूछा, तुम्हारे घर में दूसरी ओर से बाहर जाया जा सकता है? हाँ, उसने कपे हुए कंठ से उत्तर दिया। अच्छा चलो, तुम्हारी जान बच रही, मैं इरावती को ले आता हूँ। कहकर नियालुद्दीन ने एक तुर्क के कान में कुछ कहा और बलराज को आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुसा। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावर्तन कर रहे थे, नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी। फिर क्या हुआ? चंद्रभागा के तट पर शिविरों की एक श्रेणी, उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठी हुई सायंकालीन गंभीरता की छाया में एक दूसरे का मुख देख रही हैं। फिरोजा ने कहा, बलराज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, एक आकस्मिक सा उत्तर मिला और वह तो तुम्हारे लिए ही गजनी से हिंदुस्तान चला आया, तो क्यों आने दिया, वहीं रोक रखती। तुमको क्या हो गया है? मैं नहीं रही, मैं दासी हूँ, कुछ धातु के टुकड़ों पर बिकी हुई हाड़ मांस का समूह हूँ, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिंड है। इरा, वह मर जाएगा, पागल हो जाएगा, और क्या हो जाऊँ फिरोजा? अच्छा होता तुम ही मर जाती, तीखेपन से फिरोजा ने कहा। इरावती चौंक उठी, उसने कहा, बलराज ने वह भी ना होने दिया, उस दिन नियालुद्दीन की तलवार ने उसे यही कर दिया होता, किंतु मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी है, उसने सुख की आशा में वह कितनों को दुखी बनाया जा सकता है। उसने अपने साथ पूरी करने की दूसरों की आवश्यकता ठुकरा दी जाती। तुम ठीक कहती हो फिरोजा, मुझे ठहरो, इस तुम्हारे मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी है, उतना ही तेजी से उसे बाहर कर देना चाहती हो, मेरे दुखी होने पर मेरे साथ रोने आता है, फिर मैं उसे नहीं जान सकती। फिरोजा, मैं तो देखूंगी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सकता है। दुख सहने के लिए जो छोड़ जाता है केवल अपने अभिमान आकांक्षा की तुष्टि के लिए, मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, जो मेरी परिस्थिति में साथी नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है फिर अपने प्रेम का दान करना चाहता है, वह मुझसे हृदय मांगे, इससे बढ़कर भ्रष्टता और क्या होगी। अब मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इतना तो कहूँगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन की कोमलता छीन ली है। फिरोजा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमने मेरे लिए प्राण बचाए हैं सही, किंतु हृदय नहीं बचा सकती, उसे अपनी खोज खबर अपने आप ही लेनी पड़ेगी। तुम चाहो जो मुझे कह लो, मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आँखों से तो नहीं गिरना चाहिए। अब क्या होता है? फिरोजा ने संदेह से पीछे की ओर देखा, बलराज वृक्ष की आड़ से निकल आया। उसने कहा, फिरोजा, मैं जब गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल कर रहा था? अच्छा जाता हूँ, इरावती सोच रही थी कि अब भी मैं कुछ बोलूँ, फिरोजा सोच रही है दोनों को मरने से बचाकर क्या सचमुच मैंने कोई बुरा काम किया है। बलराज की और किसी ने न देखा, वह चला गया रावी के किनारे एक सुंदर महल में। अहमद नियालुद्दीन पंजाब के सेनानी का आवास है। उस महल के चारों ओर वृक्षों की दूर तक फैली हुई हरियाली है, जिसमें शिविरों की श्रेणी में तुर्क सैनिकों का निवास है। बसंत की चांदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता के महल में मीनारों और गुमदों वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही है, अब जैसे सोना चाहती हो। चंद्रमा पश्चिम से धीरे धीरे झुक रहा था। रावी की ओर एक और संगमरमर की दालान पर खाली रोज सेज बिछी थी, जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे थे। दालान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी का प्रवाह देखते देखते सोने लगी थी। उस महल की जैसे सजावट गुलाबी पत्थरों की अचल प्रतिमा हो।
अब आगे क्या हुआ कि शयन कक्ष की सेवा का भार आज उसी पर था। वह अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते सो गई। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था। सुल्तान के रोष का समाचार उसे मिल चुका था। वह राजा से छिपाकर अपने अंतरंग साथियों से, जिन पर उसे विश्वास था, निस्तब्ध रावी के साथ रात्रि में मंत्रणा किया करता था। निस्तब्ध रात्रि का मतलब होता है रात्रि में, क्योंकि कोई शोर नहीं होता इसलिए निस्तब्ध है, रात्रि में मंत्रणा किया करता था। पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की अभिलाषा उसके मन में जाग गई। फिरोजा ने उसे मना किया, किंतु एक साधारण तुर्कदासी के विचार राजकीय कामों में कितने मौलिक हैं, इसे वह अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि से परखता था। फिरोजा कुछ तो रूठी, पर कुछ उसकी तबीयत अच्छी ना थी। वह बंद कमरे में जाकर सो रही। अनेक दासियों के रहते भी आज हीरावती को ही वहाँ ठहरने के लिए कह दिया गया। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दालान के पास आया। उसने देखा कि एक वेदना विमंडित सुप्त सौंदर्य वह और भी समीप आया। गुम्बद के बगल से चंद्रमा की किरणें ठीक हीरावती के मुख पर पड़ रही थीं। अहमद वारुणी विलसित नेत्रों से देखा उस रूप माधुरी को, जिसमें स्वाभाविकता थी, बनावट नहीं, तरावट थी, प्रसाद की गर्मी नहीं। एक बार सशंक दृष्टि से उसने चारों ओर देखा, फिर हीरावती का हाथ पकड़कर हिलाया। वह चौंक उठी। उसने देखा सामने अहमद। हीरावती खड़ी होकर अपने वस्त्र संभालने लगी। अहमद ने संकोच भरी रिठाई से कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो हीरा? थक गई थी, कहिए क्या लाऊं? थोड़ी शीरा जी, कहते हुए वह पलंग पर बैठ गया। हीरावती का स्फटिक पात्र में शीरा जी उड़ेलना देखने लगा। हीरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया तो अहमद ने सतृष्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, फिरोजा कहाँ है? सिर में दर्द है, भीतर सो रही है। अहमद की आंखों में पशुता नाच उठी। शरीर में एक सनसनी का अनुभव करता हुआ हीरावती का हाथ पकड़कर कहा, बैठो ना हीरा, तुम थक गई हो, आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूँ। फिरोजा के हाथ बिक गया हूँ क्या हीरावती? हीरावती हाथ छुड़ाकर हटने वाली थी कि सामने फिरोजा खड़ी थी। उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला थी। उसने कहा, मैं बिकी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाथ में क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया है, इसलिए मैं जाती हूँ। अहमद हतबुद्धि निष्प्रभ और फिरोजा चली। हीरावती ने गिड़गिड़ा कर उससे कहा, बहन मुझे भी न लेती चलोगी? फिरोजा ने घूम कर एक बार स्थिर दृष्टि से हीरावती की ओर देखा और कहा, तो फिर चलो। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी से उतर आई। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया है, तब से चंद्रभागा तट के जाटों में एक नई लहर आ गई है। बलराज ने अपने सजातीय लोगों की पराधीनता से मुक्त होने का संदेश सुनाकर उन्हें सुल्तान सरकार का अबाध्य बना दिया है। उद्दंड जाटों को अपने वश में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा कठिन हो रहा था। इधर फिरोजा के जाते ही अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा। एक ओर उसके पास मसऊद के रोष के समाचार आते थे, दूसरी ओर वह जाटों की हलचल से खजाना भी तो नहीं भेज सकता था। वह झुंझला गया। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार नष्ट करने का निश्चय कर लिया और अपनी दृढ़ सेना के साथ वह जाटों के घेरे में डालते हुए आगे बढ़ने लगा। किंतु उसके हृदय में एक दूसरी ही बात थी। उसे मालूम हो गया कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है। उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन्न भिन्न कर देने के लिए उसने अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया। अंतरंग साथियों की सम्मति हुई, यदि विद्रोही जाटों को इस समय मिला लिया जाए तो गजनी से पंजाब आज ही अलम हो सकता है। इस चढ़ाई में दोनों मतलब थे। घने जंगल का आरंभ था। वृक्षों के हरे अंचल की छाया में थकी हुई दो युवतियाँ उनकी जड़ों पर सिर धरे से लपेटे हुए थीं, लेटी हुई थी। पथरीली टीलों पर पड़ती हुई घोड़ों की टापों के शब्दों ने उन्हें चौंका दिया। वे अभी उठकर बैठ भी नहीं पाई थीं कि उनके सामने अश्वारोहियों का झुंड आ गया। भयानक भालों की नोक सीधी किए हुए स्वास्थ्य के तरुण तेज को उद्दांत जाट युवकों का वह वीर दल था। स्त्रियों को देखते ही देखते सरदार ने कहा कि माँ, तुम लोग कहाँ जाओगी? अब फिरोजा हीरावती सामने खड़ी हो गई। सरदार ने घोड़े पर से उतरते हुए कहा, फिरोजा यह तुम हो बहन? हाँ भाई बलराज, मैं हूँ, और यह हीरावती। पूरी बात जैसे ना सुनते हुए बलराज ने कहा, फिरोजा अहमद से युद्ध होना, इस जंगल को पार कर लेने पर तुर्क सेना जाटों का नाश कर देगी, इसलिए यहीं उन्हें रोकना होगा। तुम लोग इस समय कहाँ जाओगी? जहाँ कहो बलराज, अहमद की छाया से मुझे भी बचना है, फिरोजा ने अधीर होकर कहा। डरो मत फिरोजा, यह हिंदुस्तान है और हम हिंदुओं का धर्म युद्ध है।
गुलाम बनाने का भय नहीं। अब बलराज अभी यह कह ही रहा था कि चौंक कर पीछे देखता हुआ बोल उठा, अच्छा वे लोग आ ही गए, समय नहीं है बलराज। दूसरे ही क्षण अपने घोड़े की पीठ पर था, अहमद की सेना सामने आ गई। बलराज को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, बलराज यह तुम ही हो? हाँ अहमद, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, अभी समय है। कहते कहते सहसा उसने अपनी दृष्टि फिरोजा और इरावती पर डाली और उसी समय व्यवस्था भूलकर तुरंत ललकारा, पकड़ लो इन औरतों को। इसी समय बलराज का भाला हिल उठा। युद्ध का आरंभ था, जाटों की विजय के साथ युद्ध का अंत होने ही वाला था कि एक नया परिवर्तन हुआ। दूसरी ओर से तुर्क सेना जाटों की पीठ पर थी, घायल बलराज का भीषण भाला अहमद की छाती से पार हो रहा था। निराश जाटों की रण प्रतिज्ञा अपनी पूर्ति कर रही थी। मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़े हैं। सबके अस्त्र तो रुक गए परंतु अहमद के प्राण न रुके। फिरोजा उसके शव पर झुकी हुई रो रही थी। वह इरावती मूर्छित हो बलराज का सिर अपनी गोद में लिए थी। तिलक ने विस्मित होकर यह दृश्य देखा। बलराज ने जल का संकेत किया। इरावती के हाथों में तिलक के जल का पात्र था। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, इरावती अब मैं न मरूंगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, इरावती? फिरोजा ने रोते हुए कहा, हाँ राजा साहब, इरावती मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा करो, मैं भूल गया था। तिलक ने विनीत भाव में कहा, भाई इरावती आगे कुछ नहीं कह सकी, उसका गला भर आया, उसने तिलक के पैर पकड़ लिए। बलराज जाटों का सरदार है, इरावती रानी चनाव का है। वह प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो रहा था, किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वहीं समाधि बन गई। वह वहीं झाड़ू देती, फूल चढ़ाती और दीप जलाती रही। उस समाधि की वह आजीवन दासी बनी रही। दासी कहानी का जो शीर्षक है, दासी इसीलिए उसका नाम रखा गया कि उसने इतने कष्टों को सहते हुए भी अपने किस तरह से जीवन को बचाते हुए और कैसे करके हिंदुस्तान पहुंची और वहां पर भी वो अपने प्रेम को पा न सकी, आजीवन उसकी दासी बनकर रही। इसलिए शायद लेखक ने इस कहानी का नाम दासी रखना ही उचित समझा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपकी ये कहानी दासी का तीसरा भाग पूर्ण हुआ। आई होप माय डियर स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे से इस कहानी को समझ गए होंगे, इसकी सार्थकता को भी आप समझ गए होंगे। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।